सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 14 थर्ड शिफ्ट 3/12/2020 में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों टाइप से सोल्व करेंगे। प्रत्येक शिफ्ट में आप प्रीवियस उठा के देख लेना, जैसे आपका होम पेज है ना, होम पेज आपका एक्सेल का है, इससे आपके 2 क्वेश्चन 1, 2, 3 हर एग्जाम में बनी रहे, बस क्वेश्चन चेंज कर रहा है, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये, कभी ये, कभी ये। इसके अलावा एमएस वर्ड से भी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हुए, 1 क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से आना ही आना है, 4 क्वेश्चन फिक्स हुए, 1 फॉर्मूले वाला आना ही आना है, 5 हुए, 1 शॉर्टकट की, 6 हुए। जो हमारा टारगेट है ना कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर लेकर आना, ये हम बहुत आसान तरीके से ले आएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, होम पेज की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, 3 नंबर आपके पक्के हैं इन 2 डायग्राम से। नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं तो क्या करो, जिसके पास लैपटॉप नहीं है प्रिंट आउट निकलवा लो उसका, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा के कहाँ कौन सा प्रोग्राम होता है, कहाँ कौन सा आपका सिंबल है, कहाँ किससे क्या होगा, ये प्रैक्टिस मैं आपकी करवा दूंगा। लास्ट में आपके 13 सेट डाल चुका हूँ, एक बार उन 13 सेट को देख लेना, कंप्यूटर से डर लगना बंद हो जाएगा, आपका टारगेट 10 में 10 आना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इन द बिल्डअप हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका 72, इसका आंसर होगा आपका 72। अब इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे पहले कहाँ आता है ये कहाँ आता है फॉन्ट साइज आपका, फॉन्ट साइज आपका ये रहा जहाँ ये 11 लिखा हुआ है डायग्राम में, नहीं है। यदि मैं बात करता हूँ कि आपका इसमें डिफॉल्ट रूप से साइज क्या आता है, डिफॉल्ट रूप से कंप्यूटर में साइज आता है आपका 11, कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में पूछा जाएगा। जो आपका मिनिमम साइज होता है, मिनिमम साइज कितना होता है आपका 8 होता है, मैक्सिमम साइज कितना होता है आपका, मैक्सिमम साइज आपका 72 होता है। 3 क्वेश्चन ये फिक्स है जो कि आपको पता होने बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, जो ये आपका 72 है ना पूरा, 72 कितने इंच में होता है, ये आपका 1 इंच में होता है। लगातार शिफ्ट में पूछा गया कि 36 इंच का जो आपका 36 फॉन्ट साइज है वो कितने इंच के बराबर होगा, वो आपके 0.5 के होगा, क्योंकि जब पूरा 72 1 इंच के बराबर होगा तो 36 कितने होगा आपका, आधा इंच के होगा। यदि मैं 18 की बात करूँ, 18 फॉन्ट साइज कितने का होगा, वो 0.25 के होगा, मतलब 72 जो 72 है ना 1 इंच के में कन्वर्ट कर लेना, जो भी पूछा वो उसका आंसर देना, प्रैक्टिस करना है 13 सेट अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये होता है आपका टॉप राइट, ये वाली साइड, ये होता है आपका टॉप लेफ्ट, ये होता है आपका बॉटम लेफ्ट, ये होता है आपका ये वाला होता है बॉटम राइट, इतना पता चला। अब आपसे लगातार ये पूछा है स्क्रोल बार जो आपका होता है, स्क्रोल बार ये इधर ले, ये होता है वर्टिकल, ये जो नीचे होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल, इसका वर्क क्या होता है। जैसे कि आपका पेज फर्स्ट खुला हुआ है, आपको पेज 8 पे जाना है, यहाँ पे जो तीर का निशान है इसे नीचे स्लाइड करोगे तो उसी पेज पर आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, ऐसे ही आपका हॉरिजॉन्टल होता है, इसका क्वेश्चन बनता है। अब टाइटल बार जो होता है सबसे ऊपर जो होता है आपका, ये होता है टाइटल बार, सबसे ऊपर क्या होता है, ये टाइटल बार होता है, ये लिखा हुआ है देखो। इसके बाद आपका जो रिबन होता है वो कहाँ होता है, ये रहा रिबन। नेम बॉक्स कहाँ होता है, नेम बॉक्स आपका टॉप लेफ्ट साइड में आपका नेम बॉक्स होता है, जो सेल होता है फर्स्ट सेल, जो ये छोटा सा डब्बा बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। और जो क्वेश्चन बनने के चांस है, जूम बार कहाँ होता है, जूम बार डायरेक्ट पूछ लेगा, जरा देखो आपका जूम बार कहाँ होता है आपका, बॉटम में राइट साइड में आपका जूम बार होता है। क्लोज, किसी विंडो को क्लोज करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं बटन, वो किस साइड होता है क्लोज का, ये आपका ये रहा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज आपका ये रहा, ठीक है जी। जो रो होती है आपकी, ये आपकी रो होती है टोटल, ठीक है। इतना ऐसे ही आपको जो वर्कशीट है ये देखो, ये वर्कशीट से 3 क्वेश्चन लगातार बन रही है। वर्कशीट के क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे आपका फोन साइज का 1 8 का था, 1 11 का था, 1 72 का था, वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से कितनी दिखाई देती है, 3 1 2 3 3 वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से दिखाई देती है। मिनिमम वर्कशीट कितनी ओपन होती है, मिनिमम आपकी 1 हो सकती है। यदि मैं बात करता हूँ मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपकी, 255 मैक्सिमम हो सकती है, और डिफॉल्ट रूप से 3 होती है। बस यही तो आपको माइंड में सेट करनी है। अच्छे नंबर लाने के लिए 10 में 10 आप क्या करोगे, एक नोटबुक लेना, एमएस ऑफिस लिख देना, एमएस एक्सेल उसमें लिख देना, जो आपके प्रत्येक शिफ्ट में एमएस ऑफिस के, एमएस एक्सेल के अलग अलग टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें नोट डाउन कर लेना। लगभग 12 से लेकर 15 आपके पेज बनेंगे कंप्लीट, आपके मैं सेट 38 से 38 करवा दूंगा, आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। एमएस एक्सेल फॉर्मूले से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है प्रत्येक शिफ्ट। ये आपका सम 4, ये आपका इसका मतलब क्या होता है पावर, ये आपका इसका मतलब क्या होता है डिवाइड, आपसे सोल्व करवाना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 3, 4 गुना 4 गुना 4 कितना होता है 64। इसके बाद क्या दे रहा है आपको, कोमा 2 2 ये कटागा 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1।
जब 64 में आप सम करना है, ये सम करना है 64 में एक जोड़ोगे 65 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के एक सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? जिस स्टूडेंट को उसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ALT प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आईपी एड्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोकॉल किस पर वर्क करते हैं, ईमेल प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, एड्रेस प्रोटोकॉल कौन से होते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी की फुल फॉर्म होती है आपका, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हो जाएगा, थर्ड पर ऑप्शन नंबर होगा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि याद सभी की होगा लेकिन ये देख लेना इंटरनेट प्रोटोकॉल सही कौन सा लिखा हुआ है। कभी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये पढ़ लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये लगा दो 4, गलत बिल्कुल। अच्छे से देखना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यही है आपका ऑप्शन नंबर, इसका चौथे का आपका थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? सही और सत्य और असत्य का ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं। सत्य है, कभी असत्य है सत्य लगा दो, कभी सत्य है सत्य लगा दो, ध्यान रखना आपको। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट, एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है कि ये क्या आपका सही है या आपका ये गलत है? ठीक है जी, बिल्कुल सही है, हमेशा लेफ्ट ही होता है। एमएस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड पी और ये जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आपके दोनों ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन, एक और दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान किसी ईमेल में व्यंजनों के मानक सेट को दर्शाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इमोटिकॉन्स, इमोटिकॉन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं तो शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है, लैंग्वेज में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कर भी सकते थे। जब इसका आपका राइट आंसर होगा वर्तमान सेल के पहली की लेफ्ट सेल की कंटेंट को सिलेक्ट कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्रोम ब्राउजर में उसकी डिफॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रिसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल वर्कशीट की सातवीं पंक्ति और दसवें स्तंभ की परिच्छेद बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा? बच्चों ये है, देखो ये आपकी टेबल होती है, आपको उतना तो पता ही होगा, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ए बी सी डी इस तरह होता है, इधर ही होता है, दोनों साइड में अलग अलग होते हैं, जो भी कहे उस पर लिख दो। जैसे कि ने कहा ए फाइव का फाइव, 1 2 3 4 5 इधर जो डिजिट बोल लगा उस पर वहाँ जाके जो भी आपको क्वेश्चन है उसके हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट हम आंसर आपका देंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इनने, इसने क्या कहा है, सातवीं पंक्ति और दसवें स्तंभ में परिच्छेद बिंदु होगा, इसका आपका 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जी टेन। कैसे, सातवीं पंक्ति, सातवें नंबर पे जी आते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और 10, 1 2 3 4 5, 10 जी 10 डायरेक्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फेवरेट क्वेश्चन है, सिर्फ पूछा ही जाएगा आपसे डायरेक्ट, निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेस्ट को रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्या लिखने के लिए करते हैं? एक तो नीचे लिखते जैसे कि ये हुआ, एक लिखते ऐसे जैसे कि ये हुआ, इसे ऊपर बोलते हैं, इसे नीचे बोलते हैं। जब नीचे की बात होती है इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जब ऊपर की बात होती है इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। जो भी पूछे उसके हिसाब से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में आंसर लगा देना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।